Good afternoon, guys. This particular tire is losing pressure just after 1 or 2 days. In fact, 2 days back, I gave it 34 PSI. And today morning, I found it has reduced to 8 PSI. So I am taking it to the tire shop to check where the leakage is. And I'll get it repaired. अभी इसमें हवा भर के लाए, बीच बीच में क्या हो रहा है, इसमें हवा निकाल जाते हैं। परसों हवा दिया था, लेकिन आज सुबह देखा इसमें हवा 8-8.5 हो गया। sure. फिर से हवा दे दिया तो इस करके निकाल रहा है। हाँ, तो इसलिए हम ये टायर शॉप में लाया, वो जो गुड़िया टायर शॉप मेरा ट्रस्टेड वाला, वही पर लेके आया और इसको अभी चेक करेंगे जे कहाँ लीकेज है। शैम्पू पानी मार, पूरा शैम्पू पानी मार। ए बच्चा, ऐसे अच्छा नहीं रहेगा। सो नाउ दे विल गो फॉर अ सोप वाटर टेस्ट, साबुन पानी से टेस्ट करेंगे ये जो व्हील साइड है, व्हील साइड से कोई लीकेज हो रहा है या नहीं, क्योंकि स्टील व्हील में पुराना हो जाने से एक प्रॉब्लम होता है, तो भी देखना पड़ेगा। हाँ, वाल्व का चेक करी, द वाल्व पिन साइड, नीड टू चेक द वाल्व पिन साइड, वाल्व स्टेम एरिया को भी चेक करना है और जितना टायर वाल बीड एरियाज है उसको पूरा चेक करना है। वो चेक करने के बाद फिर हम टायर साइड वाल्स और आउटर वाल्स को चेक करेंगे ये सोप पानी के साथ। सो ऑल द आउटर वाल्स, बीड एरियाज, एवरीथिंग विल बी चेक विद द हेल्प ऑफ सोप वाटर एंड ऑल्सो द आउटर वाल साइड वाल्स ऑल विल बी चेक्ड। बीइंग सेटिस्फाइड विल गो टू द आउटर वाल एंड साइड वाल। अभी आउटर वाल और साइड वाल का चेकिंग हो रहा है, शायद यहीं पर कोई लीक होगा। लेट्स फाउंड व्हाट द लीक इज। सो देयर इज अ लीक हियर, दिस वाज द मेन कल्प्रिट। यही जगह से हवा लीक हो रहा था। ठीक है, এর মধ্যে পেরেকটা ঢুকে গেছে। সো দ্য নেইল ইজ দ্য মেইন কালপ্রিট টু হ্যাভ কজ দ্য টায়ার পাংচার। তো ইয়ে পেরেক কো নিকালনা পড়েগা। এ গুলি আছে। ইট হ্যাজ পেনিট্রেটেড ডিপ ইনসাইড, সো ইট ইজ বিং ডিফিকাল্ট টু ব্রিং ইট আউট। लुक एट द साइज ऑफ द नेल, कितना बड़ा प्लेक था ये कार के टायर के अंदर। अब ये अच्छा टायर एकदम बर्बाद हो गया। लाकिली साइड वाले रतोटा काछे नए ताओ। सो द लीक रिपेयर इज कम्प्लीट, लीक रिपेयर हो गया। अभी इसको हवा देंगे, उसके बाद चेक करेंगे फर्दर और लीक है या नहीं। Repaired the tire in a tire shop and it cost me around 100 rupees. The leakage was near to the side wall, not actually the side wall,
near to the side wall. It is a bit risky, but I will keep the tire for some time. So you have seen how the tire has been repaired, and if you find the video useful, please do subscribe and give a thumbs up. And if you have any queries, do comment in the comment section below. Thank you very much and goodbye.